हेलो स्टूडेंट, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विद्यालय संस्कृति प्रबंध और शिक्षक, डीएलएड सेकेंड ईयर की बुक्स है, जिसमें हमने विद्यालय क्या अर्थ पढ़ लिया, उसकी संकल्पना पढ़ ली, उसकी आवश्यकता विशेषताएं पढ़ ली। फिर हमने टॉपिक नया टॉपिक चलाया, शैक्षिक प्रबंध चलाया कि प्रबंध होता क्या है, प्रबंध के क्या उद्देश्य हैं, प्रबंध किस प्रकार से किया जाए, कैसा किस प्रकार का मैनेजमेंट होना चाहिए, किस प्रकार की उसकी आवश्यकताएं होती है, किस प्रकार की वो पूर्ति करता है। ये प्रबंध का अर्थ पढ़ा कि प्रबंध क्या है, प्रबंध अपने आप में क्या है। विद्यालय का कक्षा कक्ष है जिसमें किसी भी देश के या किसी भी राज्य का भाग्य निर्माता कहा जाता है, यानी विद्यालय वो जीवनदायिनी, प्रबंधन वो जीवनदायिनी शक्ति है जो किसी भी क्षेत्र की स्थिति को क्या बना देती है, कठोर और मजबूत बना देती है। तो इस प्रकार के मैनेजमेंट के बारे में हमने उनके अर्थ आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन किया। आज आपका टॉपिक जो चालू करेंगे, जिसमें हमने प्रवेश प्रक्रिया पढ़ी थी, आज हमारा टॉपिक चालू होगा भौतिक संसाधन का प्रबंधन, यानी भौतिक जो संसाधन है उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। देखो, विद्यालय निसंदेह हम कह सकते हैं कि एक विद्या का मंदिर है। विद्यालय क्या है? एक विद्या का मंदिर, ये निसंदेह, इसमें कोई शंका नहीं है कि विद्यालय एक मंदिर है, ठीक है, जिसमें हमें एजुकेशन प्राप्त होता है। अतः ऐसा वातावरण चाहिए जिससे छात्रों को, शिक्षकों को शारीरिक और मानसिक शक्ति, शारीरिक और मानसिक शक्ति मिल सके। यानी विद्यालय में एक ऐसा वातावरण है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक शक्ति से परिपूर्ण होने चाहिए। विद्यालय क्या है? विद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है, और उस शिक्षा का मंदिर में ऐसा वातावरण होना चाहिए कि सभी शिक्षक और विद्यार्थियों को क्या मिल सके, आत्मसंतुष्टि मिल सके, उसका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। विद्यालय का भवन तथा कक्षा कक्ष के की सुरक्षा तथा एक मनोहारी होनी चाहिए जो छात्रों को सहज अपनी ओर क्या कर सके, आकर्षित कर सके। यानी विद्यालय कैसी होनी चाहिए? सुरक्षित होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, मनोरमा होनी चाहिए, जो विद्यार्थियों को सहज अपनी ओर क्या कर सके, आकर्षित कर सके। विद्यालय भवन बिल्कुल सुंदर होना चाहिए, मनोहारी वातावरण होना चाहिए, आनंदमय क्षेत्र होना चाहिए। वातावरण कैसा होना चाहिए? आनंदमय, जिससे कि वो विद्यार्थियों को अपने आप सहज ही क्या कर ले, आकर्षित कर ले। स्वास्थ्य कार्य वातावरण तथा स्वस्थ कार्य तथा वातावरण का महत्व इस बात से स्पष्ट है कि छात्र अपनी समय का अधिक भाग विद्यालय में ही व्यतीत करता है। क्यों? क्योंकि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा, ये सारी स्थिति वातावरण, ऐसा वातावरण क्यों होना चाहिए, ऐसे स्वास्थ्य सेवाएं क्यों होनी चाहिए, ऐसा मनोरम दृश्य क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी सबसे ज़्यादा समय कहाँ गुजारता है? विद्यालय में गुजारता है। इसलिए विद्यालय उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, विद्यालय बिल्कुल सुंदर होना चाहिए, वहाँ स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ स्वास्थ्य कार्य भी होना चाहिए, वहाँ स्वच्छ वातावरण होना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी स्वयं उसकी ओर आकर्षित हो जाए और लंबा समय, अपना लंबा दिन का लंबा समय, क्योंकि 8 घंटे विद्यालय में बच्चा रहता है, तो समय अधिक रहने के कारण ज़्यादातर विद्यालय ऐसा होना चाहिए जिसमें विद्यालय को वातावरण ऐसा लगे कि वो आराम से उसमें रह सके, अपनी सुरक्षा, अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। तो विद्यालय क्या है? एक विद्या का मंदिर, इसलिए इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। विद्यालय में भौतिक संसाधनों का प्रमुख अंग, इसमें टॉपिक है भौतिक संसाधन है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो है विद्यालय का भवन, ये जरूरी है, ये भौतिक संसाधन। दूसरा है छात्रावास का भवन, सही है, छात्रावास भी है, दूर दराज से बच्चे आते हैं वो यहीं रहते हैं, तो छात्रावास की भी आवश्यकता है। तीसरा है विद्यालय पुस्तकालय भवन। चौथा है विद्यालय प्रयोगशाला भवन
प्रयोगशाला भवन, खेल मैदान, खेल मैदान की स्थिति, खेल मैदान है, खेल मैदान, विद्यालय, फर्नीचर, विद्यालय, फर्नीचर, विद्यालय के शैक्षिक उपकरण, शैक्षिक उपकरण, ठीक है, शैक्षिक उपकरण हो गया, विद्यालय भवन हो गया, शैक्षिक उपकरण हो गया, विद्यालय की स्वच्छता, आठवां है विद्यालय की स्वच्छता, विद्यालय की क्या है स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, ठीक है, ये इसकी क्या है व्यवस्थाएं हैं, इसकी एक भौतिक संसाधन है विद्यालय प्रबंध के, क्या है ये भौतिक संसाधन, और भौतिक संसाधनों में इन भौतिक संसाधनों का प्रबंध कैसा हो, यानी प्रबंध मैनेजमेंट कैसे किया जाता है इन भौतिक संसाधनों का, तो इन भौतिक संसाधनों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कितनी हैं 10 टॉपिक हैं। सबसे पहला विद्यालय का भवन, विद्यालय का भवन, तो विद्यालय का भवन कैसा होना चाहिए, विद्यालय का भवन सड़क के पास होना चाहिए, इस प्रकार की आकृति में होना चाहिए, ठीक है, विद्यालय के पास यानी रास्ते पर होना चाहिए, इस प्रकार का विद्यालय भवन होना चाहिए, ठीक है, उसके चारों तरफ चार दीवारी होनी चाहिए, सुंदर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ठीक है, और सुंदर और मजबूत होना चाहिए विद्यालय भवन, ठीक है, इसके साथ साथ विद्यालय भवन सुंदर और मजबूत है तो उस सुंदरता की आवश्यकता के साथ साथ उसका जो है उसके अंदर जो बिल्डिंग है वो इस प्रकार की होनी चाहिए और लंबे समय तक सुरक्षित रहे वो बिल्डिंग, ऐसी होनी चाहिए, संरक्षण भी अच्छा होना चाहिए उसमें, ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए, वैज्ञानिक ढंग से निर्मित हो, ठीक है, विद्यालय के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, विद्यालय में क्या होनी चाहिए, यानी विद्यालय भवन में सबसे ज़्यादा क्या होनी चाहिए, पर्याप्त जगह होनी चाहिए विद्यालय में, पर्याप्त जगह, क्योंकि विद्यालय में प्रार्थना के लिए, ठीक है, प्रार्थना के अलावा अन्य बैठक के लिए जगह क्या होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, स्थान स्वास्थ्यवर्धक वातावरण होना चाहिए विद्यालय में, क्या होना चाहिए स्वास्थ्यवर्धक वातावरण, वातावरण होना चाहिए स्वास्थ्यवर्धक वातावरण होना चाहिए विद्यालय में, पर्याप्त जगह होनी चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक वातावरण होना चाहिए, अति सुंदर होनी चाहिए विद्यालय, ठीक है, इसके अलावा वैज्ञानिक ढंग से बनावट होनी चाहिए, वैज्ञानिक ढंग से बनावट होनी चाहिए, यानी वास्तु के अनुसार वैज्ञानिक ढंग से कि इस जगह पिलर आना चाहिए, इस जगह शौचालय होना चाहिए, इस जगह पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, विस्तृत जगह होनी चाहिए, तो इस प्रकार के खेल मैदान की व्यवस्था भी होनी चाहिए, तो इस प्रकार की वैज्ञानिक ढंग की उनकी क्या होनी चाहिए बनावट होनी चाहिए, उसकी ऊंचाई, बिल्डिंग की ऊंचाई होनी, ठीक है, ऊंचाई के साथ साथ कमरों का क्षेत्रफल और कमरों के साथ साथ की स्थिति ये देखने को मिलती है कि कमरे की जो दिशा है उस दिशा के अनुसार उसमें प्रकाश की स्थिति आ रही है या नहीं आ रही, तो इस वैज्ञानिक ढंग से वहाँ क्या होनी चाहिए व्यवस्था होनी चाहिए, सामर्थ्य तथा उपयोगिता होनी चाहिए, सामर्थ्य तथा उपयोगिता, सामर्थ्य तथा उपयोगिता, यानी कि जो विद्यालय की बिल्डिंग बनाई जाती है, जो खर्चे पर बिल्डिंग बनाई जाती है उसमें, उसमें विद्यालय, अगर विद्यालय में बच्चे अधिक हैं तो उस विद्यालय भवन का ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए कि जितने बच्चे हैं उन बच्चों को बैठने की व्यवस्था मिल सके, इस प्रकार का उनमें सामर्थ्य, और उपयोगिता होनी चाहिए,
अगर विद्यालय खोल दिया गया तो विद्यालय खोलने के लिए, अगर विद्यालय खुली गया तो विद्यालय के लिए हमारे को ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए उसमें कि उसकी उपयोगिता होना जरूरी है। ऐसे नहीं बिल्डिंग बना दी और बिल्डिंग बनने के बाद उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है, उस बिल्डिंग का या उस भवन का कोई उपयोग ही नहीं किया गया कि भवन बना दिया और इसमें विद्यार्थी आ ही नहीं रहे, तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए विद्यालय का जो भवन है उसमें इस प्रकार का सामर्थ्य होना चाहिए कि जितने बच्चों का एडमिशन लिया जाता है उन बच्चों को क्या दिया जा सके, एजुकेशन दिया जा सके, और उनकी उपयोगिता भी इतनी होनी चाहिए, उसकी विद्यालय की क्या होनी चाहिए, बना दिया जब भवन बन गया विद्यालय का सिस्टमेटिक तरीके से वो चलने लग गया तो उस विद्यालय की उपयोगिता भी होनी चाहिए, ठीक है, तभी विद्यालय क्या है, सक्षम है। कम लागत तथा लचीलापन होना चाहिए, कम लागत तथा लचीलापन, लचीलापन, कम लागत पर भवन का निर्माण करना चाहिए, अधिक लागत लगाकर भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए, कम पैसे पर कम समय में और अधिक उत्पादन करने वाली स्थिति के आधार पर क्या करना चाहिए, भवन का निर्माण करना चाहिए, कम लागत होनी चाहिए भवन में, अधिक लागत का मकान नहीं बनाना चाहिए तथा लचीलापन होने चाहिए। लचीलापन का मतलब जैसे चाहे उसमें अन्य कमरे या जैसे चाहे उसको हम जब चाहे क्या कर सकते हैं, उस भवन का निर्माण या वो जो निर्माण हो गया उसके आगे भी हम उसमें निर्माण कर सकते हैं या उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, तो भवन निर्माण में इस प्रकार का लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। तो ये विद्यालय की आवश्यकताएँ हैं। विद्यालय क्षेत्र की सुरक्षा होनी चाहिए, विद्यालय क्षेत्र की क्या होनी चाहिए, विद्यालय क्षेत्र की सुरक्षा, यानी विद्यालय क्षेत्र की क्या रखनी चाहिए, सुरक्षा यानी चार दीवारी करनी चाहिए विद्यालय क्षेत्र के आसपास, ठीक है। विद्यालय में किसी प्रकार क्या दुर्घटना से बचाव होना चाहिए, दुर्घटना घटना से बचाव, यानी दुर्घटना से बचाव का मतलब अगर हम इसके चारों तरफ सुरक्षा रखेंगे तो ये सुरक्षा हो गई स्कूल की, इसके बाद मान लो यहाँ सड़क है तो यहाँ डिवाइडर होना चाहिए, ठीक है, जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं तो उसके हिसाब से रास्ता होना चाहिए, उसी के हिसाब से रास्ते पर क्रॉसिंग होना चाहिए, तो किसी भी प्रकार के दुर्घटना की स्थिति यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रास्ता है, रोड है, इसका मतलब रास्ता है तो सब जाएंगे, साधन भी जाएंगे, तो इसलिए स्कूल जो क्षेत्र आता है वहाँ पहले से ही सूचित करवाना चाहिए, जिससे कि वहाँ विद्यालय के पास संसाधन जो बाहरी वाहन है उनकी गति क्या हो सके, धीमी हो सके और बच्चे आसानी से विद्यालय में प्रवेश कर सके, तो दुर्घटना की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए और विद्यालय क्षेत्र क्या रहना चाहिए, पूर्ण रूप से सुरक्षित होना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने स्पष्ट किया विद्यालय भवन की दुर्घटना और उसके बाद है विद्यालय की सजावट, विद्यालय की क्या होनी चाहिए, विद्यालय की सजावट, यानी विद्यालय को पेड़ पौधे लगाकर, ठीक है, इसके साथ साथ बच्चों के द्वारा रंग बिरंगे चित्र लगाकर उसको समय समय पर मरम्मत करवाकर उस पर पुतवाई करवा के, ठीक है, इसके आसपास सबसे ज़्यादा वहाँ वृक्षारोपण करवा के, ठीक है, इसके साथ साथ गार्डन लगा के अच्छे रंग बिरंगे पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ लगाकर क्या करनी चाहिए, उसकी सजावट रखनी चाहिए, विद्यालय को एक मंदिर के समान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये विद्यालय भवन के लिए उपयोगी है, यानी विद्यालय भवन तो हमने बनाया है, उस विद्यालय भवन की ये भौतिक संसाधन, उसमें ये मैनेजमेंट का काम है कि मैनेजमेंट इन भौतिक संसाधनों को इस प्रकार सही ढंग से क्या करता है, क्रमबद्ध रूप से उपयोगिता में लाता है। तो पहला काम तो क्या करता है, पर्याप्त जगह होनी चाहिए विद्यालय में, सबसे ज़्यादा क्या होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए विद्यालय, अगर जगह रहेगी तो विद्यालय अच्छा और सुंदर दिखाई देगा। दूसरा इन्होंने बताया स्वास्थ्यवर्धक उस विद्यालय का क्या होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए, गंदा वातावरण नहीं होना चाहिए, शांतमय वातावरण होना चाहिए, जिससे कि स्वस्थ वातावरण रहेगा तो विद्यार्थी और शिक्षक अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, पढ़ा और पढ़ सकते हैं। तीसरा इन्होंने बताया वैज्ञानिक ढंग से उस भवन की क्या होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। तीसरा बताया कि सामर्थ्य तथा उपयोगिता होनी चाहिए। चौथा सामर्थ्य का मतलब उस विद्यालय की इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि आसपास के जितने भी विद्यार्थी हैं वो विद्यालय जो प्रवेश लिया जाता है उन विद्यालयों के लिए बैठने की व्यवस्था हो, इसमें ऐसी सामर्थ्य हो, और उपयोगिता उस विद्यालय की उपयोगिता भी, अगर स्कूल बन गई तो उसकी उपयोगिता भी होनी चाहिए, उस विद्यालय भवन की उपयोगिता भी बढ़ानी चाहिए, ठीक है। कम लागत पर उसको बनाना चाहिए विद्यालय को, कम लागत पर, और उसमें लचीलापन होना चाहिए, जैसे चाहे वैसे हम धीरे धीरे उसको क्या कर सकते हैं, परिवर्तन भी
कर सकते हैं या ला सकते हैं। विद्यालय क्षेत्र की क्या होनी चाहिए, संपूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए विद्यालय की, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। चारों तरफ से उसकी चार दीवारी होनी चाहिए, कहीं टूट फूट की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी दुर्घटना से, यानी अगर रास्ते पर है तो दुर्घटना क्षेत्र से क्या होनी चाहिए, सुरक्षा रखनी चाहिए। और विद्यालय को क्या रखना चाहिए, सजावट के रूप में रखना चाहिए। उसके बाद आता है विद्यालय और छात्रावास भवन, दूसरा आता है विद्यालय और छात्रावास भवन। विद्यालय और छात्रावास भवन, छात्रावास के लिए कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, छात्रावास में कितनी विद्यार्थियों के लिए है, छात्रावास कितनी विद्यार्थियों के लिए, यानी कितने विद्यार्थी रखे जाएं उसमें, उन विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात के आधार पर छात्रावासों की क्या करनी चाहिए, भवन का निर्माण करना चाहिए कि इस छात्रावास में इतने विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं, तो उसी के अनुसार छात्रावास के भवन बिल्डिंग का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। छात्रावास के साथ भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, छात्रावास के पास ही, जैसे कोई छात्रावास का निर्माण किया है उस छात्रावास के पास ही भोजन व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि भोजन व्यवस्था बगैर किसी भी छात्रावास का कोई महत्व नहीं है, इसलिए छात्रावास के पास ही क्या होनी चाहिए, भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा छात्रावास भवन विद्यालय भवन से दूर ना हो, यानी ये दूर नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, छात्रावास विद्यालय भवन से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि थके हारे बच्चे अगर दूर जाते हैं तो उपयोगिता का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए छात्रावास की स्थिति ये बताती है कि छात्रावास है वो छात्रावास में भोजन व्यवस्था होनी चाहिए, और भोजन व्यवस्था के साथ छात्रावास का भवन है वो दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा छात्रावास के आसपास पर्यावरण क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, पर्यावरण क्या होना चाहिए, पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, स्वच्छता का विशेष ध्यान होना चाहिए छात्रावास भवन के आसपास। इसके अलावा छात्रावास के आंतरिक भाग में ही खेलों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, आंतरिक भाग में ही खेलों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, खेलों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी आसपास, यानी छात्रावास के अंदर ही जितने भी खेल हैं, बच्चा जो चाहे खेल खेलना चाहता है, जिस प्रकार का खेल खेलना चाहता है, वो छात्रावास के अंदर ही होनी चाहिए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। छात्रों के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, छात्रों के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाए, यानी जो छात्र हैं उन छात्रों के अनुसार, जैसे छात्रों की जिसमें रुचि है, जिस सांस्कृतिक प्रोग्राम में उनकी रुचि है, उसी सांस्कृतिक प्रोग्राम के अनुसार उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करवाया जाए, ठीक है। वार्डन का व्यवहार, यानी विद्यालय जो है, उस विद्यालय के पास जो छात्रावास है, उस छात्रावास में वार्डन ऐसा नियुक्त होना चाहिए कि बच्चे को ये असुरक्षा महसूस ना हो, वार्डन का व्यवहार विवेकपूर्ण, व्यवहारपूर्ण और स्नेहपूर्ण होना चाहिए कि उनको अपनी माता पिता की याद ना आए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए विद्यालय में कि बच्चे को ऐसा महसूस ना हो कि हम विद्यालय घर से दूर हैं तो उनको परिवार की याद आ सके। तो वार्डन भी ऐसा होना चाहिए, स्नेहयुक्त होना चाहिए, वार्डन में स्नेह भरा होना चाहिए, और स्नेह भरा रहेगा तो विद्यार्थी उसके संरक्षण में रहेंगे, और उसके संरक्षण में रहेंगे तो उनको घर की, यानी अपने माता पिता की याद नहीं आएगी। उसके बाद आता है विद्यालय प्रयोगशाला, तीसरा बात विद्यालय प्रयोगशाला देख लेते हैं या पुस्तकालय देख लेते हैं। विद्यालय का पुस्तकालय भवन, तो विद्यालय का जो पुस्तकालय भवन है वो क्या होना चाहिए, स्कूल में उपलब्ध होना चाहिए, जिस विषय वहाँ पढ़ाया जाए या जो विषय वहाँ चल रहे हैं, इसके अलावा नैतिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा है, कला शिक्षा है,
ठीक है, कहानियाँ हैं, साहित्य हैं, मनोरम कहानियाँ हैं, इस प्रकार की पुस्तक उसमें होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि किसी भी विद्यालय की पुस्तकालय है, वो पुस्तकालय उस विद्यालय की प्रतिष्ठा को इंगित करता है। अगर विद्यालय में पुस्तकालय है तो समझ लो उस विद्यालय की स्थिति मजबूत है। इसलिए प्रत्येक विद्यालय में से प्रबंधन की व्यवस्था भौतिक संसाधन में की गई कि प्रत्येक विद्यालय में क्या होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों को जब भी समय मिले वो लाइब्रेरी में जाके क्या कर सके, अध्ययन कर सके और पठ पाठन का अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर सके। उच्च वर्ग की उसमें पुस्तक होनी चाहिए, अच्छी पुस्तक होनी चाहिए, अच्छे लेखकों की उसमें बुक्स होनी चाहिए, जिससे कि प्रत्येक बच्चे को, गरीब बच्चा हो या अमीर बच्चा हो, सबको उनको समान रूप से पुस्तकों का वितरण करवाया जाए, जिससे कि पुस्तकालय में जाकर बच्चे पुस्तक ले सके और पुस्तकों का क्या कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। इसलिए विद्यालय में पुस्तकालय का होना जरूरी है, लाइब्रेरियन का एक होना जरूरी है, उनका रिकॉर्ड रखना जरूरी है, ठीक है। इसलिए प्राचीन समय की पुस्तक भी वहाँ उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे के साहित्य विचारों का, मानसिक विचारों का क्या होगा, विकसित हो गए, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास विकसित होंगे साहित्य से। तो ये सब संरचनाएँ किससे संभव है, पुस्तकालय भवन से। तो विद्यालय में एक पुस्तकालय भवन का भी निर्माण होना चाहिए। उसके बाद आता है विद्यालय की प्रयोगशाला। देखो, विद्यालय की प्रयोगशाला का नाम आते ही ये आता है कि विद्यालय प्रयोगशाला का मतलब विज्ञान विषय में प्रयोगशाला होनी चाहिए, जबकि ऐसी कोई विज्ञान विषय की कहानी नहीं है। विज्ञान की तो होती ही होती है, विज्ञान के साथ साथ आजकल भौतिक इस परिवेक्ष में, वर्तमान परिवेक्ष में ये देखा गया है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का होना भी जरूरी है, क्योंकि आजकल चिंतन कार्य, चिंता का कार्य अधिक है, इसलिए मनोवैज्ञानिक रूप से लोग क्या होते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का होना जरूरी है, विज्ञान की प्रयोगशाला का होना जरूरी है, कंप्यूटर कक्ष का जरूरी है, कंप्यूटर कक्ष के साथ साथ भूगोल, भाषा, भूगोल विषय का भी प्रयोगशाला होना आवश्यक है। इसके साथ साथ भूगोल विषय के साथ साथ अन्य विषयों की प्रयोगशाला भी निर्मित होनी चाहिए। तो प्रयोगशाला इस बात को इंगित करती है कि प्रयोगशाला के लिए विज्ञान विषय नहीं, विज्ञान के साथ साथ कंप्यूटर कक्ष होना चाहिए, संगीत होना चाहिए, ड्राइंग पेंटिंग की प्रयोगशालाएँ होनी चाहिए, इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की प्रयोगशालाएँ होनी चाहिए। तो इन सब का भवन निर्मित होना चाहिए और उसमें उसी प्रशिक्षित शिक्षकों का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, सारे उपकरण उसमें होने चाहिए, जिससे कि प्रयोगशाला से स्पष्ट हो सके कि इस विद्यालय में जो शिक्षण कार्य है वो शिक्षण कार्य क्या होगा, मजबूत होगा। तो जो कक्षा कक्ष हैं उस कक्षा कक्ष के अलावा प्रयोगशालाओं का क्या होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। तो पुस्तकालय और प्रयोगशाला हर विद्यालय में उपस्थित होना जरूरी है, तभी उन भवनों का विकास कार्य संभव है, ठीक है। तो आज हम इतना ही देखेंगे, विद्यालय का भवन देखा हमने, विद्यालय के भवन में क्या क्या बताया कि पर्याप्त जगह होना चाहिए, अति सुंदर होना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक वातावरण होना चाहिए, वैज्ञानिक ढंग से निर्माण होना चाहिए, सामर्थ्य तथा उपयोगिता होनी चाहिए, कम लागत तथा लचीलापन होना चाहिए, विद्यालय क्षेत्र सुरक्षित होना चाहिए, किसी भी दुर्घटना से बचाव रखना चाहिए, विद्यालय की सजावट होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा विद्यालय का छात्रावास भवन देखा, छात्रावास के लिए कितने विद्यार्थियों के लिए छात्रावास है, तो उन विद्यार्थियों के लिए जितने विद्यार्थी हैं उस विद्यार्थियों के अनुसार छात्रावास भवन का निर्माण होना चाहिए। इसके साथ साथ उसके भोजन की व्यवस्था भी पास ही होनी चाहिए, स्कूल से दूर नहीं होना चाहिए, पर्यावरण स्वच्छता का ध्यान रखा जाना चाहिए, आंतरिक भागों में खेलों की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, छात्रों के अनुरूप ही सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी छात्रावास में आयोजित होने चाहिए, जिससे कि बच्चे को जो आवश्यकताएं हैं समय समय पर, जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों से रूबरू हो सके और उन गतिविधियों का उपयोग कर सके। तो इस प्रकार की संरचना से विद्यालय का शैक्षिक प्रबंध इन सब के लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो ये भौतिक संसाधन विद्यालय प्रबंध में बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रयोगशाला जरूरी है, विद्यालय भवन जरूरी है, इसके साथ साथ खेल मैदान जरूरी है, फर्नीचर उपकरण, स्वास्थ्य, शौचालय, पेयजल, इन सब की व्यवस्था होना जरूरी है, ठीक है। तो आज हमने अध्ययन किया भौतिक संसाधनों के प्रबंध का, चार का। कल अगले चैप्टर में इन चार का बाकी का अध्ययन करेंगे, ठीक है।